नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं माशीन डॉक्टर मीना जिंदल भी। तो 21 मार्च ओशो का एनलाइटनमेंट डे, संबोधि दिवस। इस दिन को पूरी दुनिया में बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है, हम सब जानते हैं। और चंडीगढ़ में इस दिन को सेलिब्रेट करने का बीड़ा उठाया है टीम तेरे नाम। ये टीम ऑर्गेनाइजर्स की एक उभरती हुई टीम है चंडीगढ़ में। बहुत ही अच्छे, ध्यानी, बहुत संजीदा लोग हैं इसमें। बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ ये कैंप्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। बहुत सोच समझ कर वेन्यू चुनते हैं, फैसिलिटेटर बुलाते हैं, खाना, एग्जीबिशंस, बहुत कुछ करते हैं। और अभी इस टाइम में, कोरोना पीरियड में, हम सब मिस करते हैं आश्रम जाना। लेकिन 21 मार्च के लिए जो वेन्यू इन्होंने चुना है, इतना प्यारा वेन्यू है, वो फील होगा कि हम इस बहुत अच्छे किसी आश्रम में आ गए हैं। वही बड़े बड़े पेड़ हैं, लश ग्रीन गार्डन्स, पंछियों की आवाज़ें, प्यारी हवा और बहुत ही अच्छी एनर्जी है। एनर्जी फील बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फील होगा वहाँ पर जाकर। और जैसा कि हमें मालूम है कि रंगों का त्यौहार, जिसके बारे में ओशो ने कहा है कि ऐसा पर्व दुनिया में, इस पृथ्वी पे देखने को नहीं मिलेगा, वो त्यौहार भी आने वाला है। ओशो का एनलाइटनमेंट डे भी है। तो ओशो ने जैसे बोला है कि उत्सव हमारी जाति, आनंद हमारा गोत्र। तो उत्सव में हम बने रहेंगे, सेलिब्रेशन में बने रहेंगे। बहुत बढ़िया सेलिब्रेशन होगा। और जो ओशो की बगिया में ध्यान के रंग बिरंगे फूल हैं, आनंद में बने रहने के लिए हम उनके प्रयोग करेंगे, ध्यान के छोटे छोटे प्रयोग करेंगे, जितना हमारे पास टाइम होगा, जितना टाइम हमें अलाउ करेगा 21 मार्च वाले दिन। और उसके बाद शाम को होगा स्वामी मनमीत जी का शब्द गायन का प्रोग्राम। चंडीगढ़ में बहुत फेमस हैं, सब कोई जानते हैं मनमीत जी को। तो वो अपने शब्दों में डुबोकर हमें ले जाएंगे उस दुनिया में। और आखिर में जो होने वाला है, वो मैं समझती हूँ कि उसके होने के बाद, कहने को आप घर चले जाएंगे लेकिन यहीं रह जाएंगे। सूफी प्रोग्राम है स्वामी अनहद जोत का। स्वामी अनहद जोत जो ओशो को पूरी तरह से जीते हैं, खुलकर जीते हैं, और उस चीज़ के महक उनके म्यूज़िक में साफ महसूस होती है। तो 21 मार्च को मिलते हैं हम लोग चंडीगढ़ में, ओशो की आंखों के जादू में डूबने के लिए। और तेरे नाम टीम के बारे में एक बात और जाते जाते मैं कहना चाहूँगी। एज ए फैसिलिटेटर मुझे फील होता है कि अगर हम ओशो को जैसे ओशो हैं वैसा ही पेश कर पाएँ, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और इस टीम का पूरा दारोमदार, पूरी कोशिश यही रहती है कि ओशो को उसी तरह से ये सबके सामने रख पाएँ, क्योंकि बहुत सारे नए मित्र भी जुड़ते हैं हर बार, कि जैसे ओशो हैं। तो चलिए मिलते हैं चंडीगढ़ में इस खास दिन पर, शुभ दिन पर, 21 मार्च को।